हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी दो साउथ इंडियन मूवीज़ के बारे में बात करेंगे, जिसमें से एक OTT में रिसेंटली रिलीज हुआ है और दूसरा जो हिंदी डब वर्जन रिसेंटली स्ट्रीम हुए हैं। तो फर्स्ट बात करेंगे कीर्ति सुरेश की लेटेस्ट मूवी गुड लक सखी के बारे में, जो कि अमेजन प्राइम पर रिसेंटली रिलीज हो गए हैं। तो ये एक स्पोर्ट्स जॉनर मूवी है, जहाँ पे डायरेक्टर है नागेश कुकुनर और फिल्म में हम लोग कीर्ति सुरेश के साथ साथ आदि और जगपति बाबू को भी देखने को मिलेंगे और राहुल रामकृष्ण भी इस फिल्म पे है। तो फिल्म का स्टोरी बहुत ही सिंपल है। ये स्टोरी बेस्ड ऑन अ शूटिंग गेम, जहाँ पे कीर्ति सुरेश का जो कैरेक्टर है सखी, वो उनको बैड लक सखी कह के बुलाते हैं वहाँ के लोग, क्योंकि उनके साथ या फिर उनके आसपास जो रहते हैं उनके साथ बहुत कुछ बुरे हो जाते हैं हर वक्त। तो यहाँ पे जगपति बाबू उस गांव पे आएंगे और आने के बाद ही विल स्टार्ट अ ट्रेनिंग ऑन शूटिंग, और इसके बाद कीर्ति सुरेश कैसे वो कैंप पे चांस पाते हैं और इसके बाद क्या होगा उनके साथ, क्या वो बैड लक सखी का जो नाम है क्या वो टैगलाइन उनके माथे से हटा पाएंगे या नहीं, क्या होगा वो शूटिंग का चैंपियन होगे भी या नहीं, ये जानने के लिए आपको ये स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी देखने होंगे। तो स्टोरी बहुत ही सिंपल है, लेकिन स्पोर्ट्स जॉनर मूवी जैसे बनाते हैं उस हिसाब से ये फिल्म उतना भी मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इस फिल्म पे मेकिंग बहुत ही बुरे लगे मुझे। यहाँ पे स्टोरी जो है वो बहुत ही सिंपल थे, यहाँ पे स्पोर्ट्स जॉनर के साथ साथ बाकी कुछ सब प्लॉट भी यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है डायरेक्टर ने, जो मुझे लगता है और अच्छे से अगर डिटेलिंग या फिर और अच्छे से अगर स्क्रीन प्ले को एग्जीक्यूट करते तो और ज़्यादा बेहतरीन होता। यहाँ पे जो शूटिंग का जो प्रोसेस होंगे, कैसे कितनी सुरेश यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, वो जो प्रैक्टिस सीन्स है यहाँ पे उतना भी अच्छे से नहीं दिखा पाए, जिसके कारण आप लोगों में उतना भी वाइब नहीं आएंगे ये मूवी देखने के समय। लेकिन यहाँ पे कितनी सुरेश के एक्टिंग सच में बहुत अच्छे थे, साथ ही साथ बाकी जो को एक्ट्रेस थे सब लोगों का परफॉर्मेंस यहाँ पे बहुत ही बढ़िया था। लेकिन फिर भी इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले वो बहुत ही वीक थे अकॉर्डिंग टू मी। अगर नागेश कुकुनर के फिल्मोग्राफी के बारे में कहूँ तो वो जिस तरीके से फिल्म बनाते थे तो उसी हिसाब से गुड लक सखी मुझे उतना भी बेहतरीन नहीं लगा। लेकिन फॉर वन टाइम वॉच यू कैन डेफिनेटली वॉच इट, एक गुड लाइट मोमेंट फिल्म है ये। लेकिन उतना भी एक्सपेक्टेशंस लेके अगर बैठोगे तो शायद आप लोगों को थोड़े बुरे भी लग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे शूटिंग का जो प्रोसेस है, शूटिंग गेम यहाँ पे जिस तरीके से दिखाया है वो मुझे उतना भी इम्पैक्टफुल या उतना भी रियलिस्टिक नहीं लगा, जिस तरीके से यहाँ पे कीर्ति सुरेश को मौका मिलेंगे, जिस तरीके से वो प्रैक्टिस करेंगे और वो जो फाइनल गेम पे जो जो चीज़ होते रहेंगे दैट वॉज रियली रियली अनरियलिस्टिक, ये आप लोगों को देखने से ही पता चलेगा। तो गाना यहाँ पे जो यूज़ हुआ है वो फिल्म के साथ ठीक ठाक ही जा रहा था, DSP का म्यूजिक थे, इट वॉज नॉट दैट बैड। यहाँ पे जो एक बैकग्राउंड थीम यूज़ हुआ है फिल्म पे वो बहुत अच्छे से यहाँ पे एग्जीक्यूट किया है, और साथ ही साथ लुक एंड फील इट वॉज प्रीटी मच एक्यूरेट एंड प्रीटी मच रियलिस्टिक ऑल्सो। बट ये स्क्रीन प्ले और स्टोरी और बेहतरीन होना चाहिए था, तो ये एक अच्छा स्पोर्ट्स जॉनर मूवी हो जाती, क्योंकि यहाँ पे शूटिंग गेम जिस तरीके से दिखाया, मुझे लगता है इससे पहले ये गेम को कोई भी फिल्म पे नहीं दिखाए थे। तो अगर इस फिल्म पे वो थोड़ा एग्जीक्यूशन ठीक ठाक होते तो और एक बेहतरीन स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म हो जाते। नेक्स्ट जो मूवी के बारे में कहेंगे वो है अल्लू अर्जुन के हाइएस्ट ब्लॉकबस्टर मूवी आला वैकुंठपुरम, जिसका हिंदी डबिंग गोल्ड माइन टेलीफिल्म्स के जो ढिंचक चैनल है वहाँ पे प्रीमियर हो गए थे। तो इसका तो ओरिजिनल वर्जन मैंने बहुत बार देख लिया है, ये सननेक्स्ट और नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, लेकिन मैं अभी बात करूँगा इस मूवी के हिंदी डबिंग के बारे में, क्योंकि गोल्ड माइन्स का डबिंग सब बहुत बेसब्री थे इंतजार कर रहे थे कि इस फिल्म का डबिंग कैसे होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा फिल्म है जहाँ पे हिंदी डबिंग और गाने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे अल्लू अर्जुन के जो वॉइस है संकेत मात्रे ने उनके वॉइस डब किए हैं, तो अल्लू अर्जुन के वॉइस मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे थे पूरे फिल्म पे सुनने पे, और बाकी सब जो को एक्टर्स के हिंदी वॉइस हैं वो भी अच्छे से दिए थे। कुछ कैरेक्टर के जो हिंदी डबिंग वॉइस मुझे उतना भी बेहतरीन नहीं लगा, जैसे कि अल्लू अर्जुन के जो पापा के रोल प्ले करेंगे उनके वॉइस भी मुझे उतना भी ठीक ठाक नहीं लगा। अब बात करते हैं इस फिल्म पे कोई भी कट आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि फुल मूवी यहाँ पे हिंदी डब्ड वर्जन रिलीज हुए हैं, कोई भी पोर्शन यहाँ पे कट नहीं थे। लेकिन इस फिल्म पे जो मेन USP है वो है गाने, तो गाने यहाँ पे हिंदी डब वर्जन यूज़ किए हैं, जो सच में मुझे उतना भी बुरा नहीं लग रहा था, क्योंकि गोल्ड माइंस इससे पहले जैसे हिंदी डबिंग में गाने यूज़ करते थे, जैसे गाने का क्वालिटी होते थे उसी हिसाब से ये जो गाना यहाँ पे डबिंग हुआ वो बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे यूज़ किया है। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम ये फिल्म देखोगे, फर्स्ट टाइम हिंदी डबिंग में देखोगे, अगर आप लोग ओरिजिनल लैंग्वेज में नहीं देख चुके होंगे तो आप लोगों को ये गाना बहुत बहुत अच्छे लगेंगे। लेकिन मुझे लगता है मैक्सिमम पीपल हैव लिसन टू दिस मूवी सॉन्ग बिफोर, तो थोड़ा आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम शायद हो सकते हैं वो थोड़ा एडजस्टमेंट करने में, लेकिन उतना भी बुरा नहीं लगेंगे। वो है यहाँ पे एक बोर्ड रूम सीन है जो इस फिल्म का वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट है।
तो वो बोर्ड रूम सीन पे जो अल्लू अर्जुन डांस करेंगे इन डिफरेंट सॉन्ग्स, यहाँ पे बहुत बहुत गाना यूज़ किया है जो कि साउथ इंडियन मूवीज़ के एक्टर्स के जो गाने हैं ट्रिब्यूट दिए हैं, तो यहाँ पे हिंदी गाने यूज़ हुए हैं, हाँ हिंदी गाने यहाँ पे यूज़ किए हैं। तो वो जो सीन था ना, वो सीन देखने के बाद ही आप लोगों का मूड पूरा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे हिंदी गाना देखे वो सीन के साथ जो सिंक्रोनाइज़ किया है वो बहुत बहुत बुरे लग रहे थे। वो बोर्डरूम सीन के जो वाइब थे वो पूरे वहाँ पे ख़त्म कर देंगे। अब लास्ट पे एक एक्शन सीक्वेंस है, एक क्लाइमैक्स शूट है जहाँ पे एक फोक गाना बजेंगे जो तेलुगु में बहुत अच्छे से यूज़ किए थे, वहाँ पर भी एक हिंदी गाना रीमेड करके यूज़ किया हुआ है जो ठीक ठाक लग रहे थे, उतने भी बुरे नहीं लग रहे थे, बट चल जाएगा कोई बात नहीं। तो वो बोर्ड रूम सीन ही मुझे बहुत बहुत बुरे लग रहे थे थ्रू आउट द मूवी। सिर्फ एक ही वो सीन था जो मैं बहुत एक्साइटेड था कि वो कैसे या फिर कौन से गाना यूज़ करेंगे, और वहाँ पे जो हिंदी गाना यूज़ किया था दैट वाज प्रीटी मच अनएक्सपेक्टेड, आई वाज कम्प्लीटली डिसअपॉइंटेड। एंड ओवरऑल जो पूरे क्वालिटी हिंदी डबिंग यहाँ पे यूज़ किया है थ्रू आउट द फिल्म ठीक ठाक ही था, उतना भी बुरा नहीं लग रहा था। अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी इट वॉज कम्प्लीटली जस्टिफाइड एंड कम्प्लीटली ओके ऑल्सो। तो अगर आप लोगों ने ये दो मूवी देख ली है तो मुझे जरूर बताना कैसा लगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बिल भी ऑल कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।